सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाए जाने पर आप प्रदेश प्रभारी ने सीएम पर साधा निशाना, कहा सरकार को यह समझ में आने लगा है अब नैया डूबने वाली है। नवनियुक्त डिप्टी सीएम टीएस देव सिंह रायपुर पहुंचे, कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत, डिप्टी सीएम ने कांग्रेस का जताया आभार। बेमेतरा में घर घर पहुंच रहे कांग्रेस के कार्यकर्ता, लोगों को बता रहे सरकार के संदेश, कहा सरकार की योजनाओं से लोगों को मिल रहा फायदा। बिलासपुर में भीषण आग से हुआ लाखों का नुकसान, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू, मामले की जांच में जुटे पुलिस। और धमतरी में धूमधाम से मनाया गया बकरा ईद का पर्व, ईदगाह में अदा की गई नमाज, लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर दी बधाइयां। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में, मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में संग्रहित फूड ग्रेड महुआ फूल को राज्य लघु वनोपज संघ के द्वारा विदेश में विपणन करने की महत्वपूर्ण योजना है। इसके माध्यम से महुआ फूल से अतिरिक्त लाभ मिलता है। वहीं आपको बता दें कि जहां इस तरह वनमंडल मानेन्द्रगढ़ फूड ग्रेड महुआ फूल संग्रहण कार्य में छत्तीसगढ़ इस वर्ष प्रथम रैंक पर रहा। इसको लेकर वन मंडलाधिकारी महेन्द्रगढ़ ने बताया कि जिला यूनियन महेन्द्रगढ़ की प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति भोंता बेलबहरा भुटरा के अंतर्गत फूड ग्रेड महुआ फूल का नेट के माध्यम से संग्रहण किया जाता है, जहां 503.65 क्विंटल कच्चा महुआ का फूल संग्रहित किया गया है। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में जो देश विदेश तक पहुंच रहा है अब छत्तीसगढ़ का महुआ की महक। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में संग्रहित फूड ग्रेड महुआ फूल को राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा विदेश में विपणन करने की महत्वपूर्ण योजना बनाई गई है, जिसमें कि आपको बता दें कि आगामी दिनों में इस क्षेत्र में काफी जो उन्नति है वो लोगों को मिलेगी। और साथ ही आपको बता दें कि इस जो ये उद्योग है, जो ये कृषि का एक प्रकार है, इसमें युवाओं के साथ साथ जो है महिलाएं भी बढ़ चढ़कर भागीदारी करती हैं, जो कि आगे के लिए बेहद ही लाभकारी हमारे लिए साबित होने वाला है। भारत जो है अपनी महक से न केवल देश बल्कि विदेशों में भी इसकी महक को पहुंचा रहा है, जिसमें महुआ के फूल को संग्रहण को लेकर पहली रैंक में महेन्द्रगढ़ पहुंचा है। वहीं आपको बता दें कि इस संग्रहण से मिल रहा है अतिरिक्त मुनाफा, जो कि आगामी दिनों में भी बेहद ही लाभान्वित हो सकता है। खबर बिलासपुर से है, जहां आपने टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाए जाने पर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है, जिसमें आप प्रदेश प्रभारी संजीव झा ने कहा कि क्या ऐसा माना जाए कि भूपेश सरकार को यह समझ में आने लगा है कि अब नैया डूबने वाली है, इसलिए यह पद दिया गया है। कांग्रेस ने 36 वादे किए थे, तो क्या अब टीएस सिंहदेव उनको पूरा करेंगे? साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी के बीच मतभेद से प्रदेश की जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि जो लोग कांग्रेस से नाराज है वो आप में शामिल हो सकते हैं, जिसके लिए 2 जुलाई को बिलासपुर में जनसभा का आयोजन भी किया जाएगा। सिंहदेव साहब को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, पहले तो मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। देखा से 60 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने हैं, तो 60 दिन की मुख्यमंत्री बनने की ढेर सारी शुभकामनाएं, लेकिन मुझे लगता है कि ये आनंद फानंद में मुख्यमंत्री बनाना कई तरह के सवाल खड़े करता है। पहला सवाल कि क्या कांग्रेस कोई डैमेज कंट्रोल कर रही है? क्या ये अब कांग्रेस मान रही है कि भूपेश बघेल पर छत्तीसगढ़ की जनता को भरोसा नहीं है? क्या ये कांग्रेस मान रही है कि पिछले 4.5 साल में छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार हुआ है? छत्तीसगढ़ की जनता से जो वादा किया था, वादा को पूरा नहीं किया गया? और ऐसे जब चुनाव का समय है, तो जब भूपेश बघेल जी पे जनता का भरोसा खत्म हो रहा है, तो अब टीएस सिंहदेव जी को आगे किया जाए?
खबर रायपुर से है, जहां नवनियुक्त डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव रायपुर पहुंचे, जहां उनका कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। बता दें कि इस दौरान टीएस सिंहदेव ने कांग्रेस पार्टी का आभार जताया है और चुनाव को लेकर कहा कि परंपरा कांग्रेस में भी रही है, हम पिछली बार भी सामूहिक रूप से चुनाव लड़े थे और अब भी एक साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। आज भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं और अमूमन यही होता है कि जो मुख्यमंत्री होते हैं, पीसीसी प्रेसिडेंट होते हैं, यही आगे रहते हैं, इन्हीं का चेहरा आगे रहता है। परंपरा कांग्रेस में भी रही है, अमूमन पिछले बार भी हमने यही किया था, मिलके हम लोगों ने चुनाव लड़ा था। कोई एक आदमी चुनाव नहीं लड़ा सकता, कोई एक आदमी नहीं जिता सकता, हम लोग कोई भी कहें, चेहरे भी पिछले बार भी सामूहिक लीडरशिप थी। आज एक हमको मुख्यमंत्री भी मिले हुए हैं, पहले वो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में थे, तो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी वो आगे थे, एक चेहरा था, आज भी एक चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में, फर्स्ट अमंग इक्वल्स। अब खबर बेमेतरा से है, जहां जिले के नगर पंचायत थान खमरिया के सभी वार्डों में कांग्रेस के कार्यकर्ता घर घर पहुंचकर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे के संदेश को आमजनों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जहां नगर पंचायत अध्यक्ष तितली गौरव बिंदल, विधायक प्रतिनिधि अशोक बिंदल, पार्षद सतीश जोशी घरों में जाकर लोगों को सरकार का संदेश दे रहे हैं, वहीं भूमिहीन योजना के तहत लाभान्वित लोगों को उनका हक दिया जा रहा है। खबर रायपुर से है, जहां प्रदेश कांग्रेस में लगातार फेरबदल देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम के बाद अब बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए नंद कुमार साय को नई जिम्मेदारी दी गई है। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से नंद कुमार साय को छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, वहीं राज्य सरकार ने साय को कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दिया गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साय को नए दायित्व के लिए बधाई और शुभकामनाएं भी दी हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता हिंदी में, ये पहले से ही चल रहा था चर्चा इसमें कि ऐसा होना चाहिए। कुल मिलाकर के देश एक है, इसमें अलग अलग प्रकार की रीति नीति रहन सहन जाति बिरादरी बहुत है, विविधता है देश में, लेकिन एक बड़ी विशेषता हमारे संविधान की है, विविधता में एकता, अनेकता में एकता। इसी का दूसरा रूप है काम उसमें, सब लोग अलग अलग प्रकार से अलग रीति नीति, कोई प्रभावित नहीं होने वाला ये जो कॉमन सिविल कोड है, इससे सब अपने रीति नीति आचार विचार के अनुसार चलेंगे, लेकिन कुल मिलाकर के इस राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए सभी लोग एकजुट होकर के। खबर बिलासपुर से है, जहां स्मार्ट सिटी और नगर निगम बिलासपुर के बजट से बिलासपुर सिटी में जल भराव की समस्या से निजात पाने के लिए जगह जगह नालों का निर्माण हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि इसी कड़ी में नाले का निर्माण पुराने बस स्टैंड में भी दो ठेकेदारों ने किया। वहीं पिछले तीन चार दिनों से लगातार बिलासपुर में बारिश हो रही थी, जिससे कि नालों का निर्माण बस स्टैंड में अपनी पूर्णता की ओर था और तभी बारिश ने आकर नगर निगम की सारी पोल खोल दी। खबर गुंडरदेही से है, जहां गुरूर ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत कोसा गौंदी में सरपंच पद के उपचुनाव में सरस्वती सुरेंद्र ध्रुव ने 212 वोट से चुनाव जीते। आपको बता दें कि आश्रित ग्राम खेरथात सहित कुल मत ग्राम पंचायत के उपचुनाव में दो प्रत्याशी मैदान में थे। कुल मतदाता की संख्या कुल 1455 मत में से 1348 मत को प्रत्याशियों को मिले। मैं आपको बता दें कि जिसमें विजय प्रत्याशी सरस्वती सुरेंद्र कुमार ध्रुव 212 वोट से जीते। खबर बिलासपुर से है, जहां से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कोटा में सुबह भीषण आग लग गई। आपको बता दें कि वहीं घटनास्थल पर बिलासपुर से पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया।
वहीं इस हादसे में लाखों की लकड़ियां जलकर खाक हो गई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। तो आपको बता दें कि बेहद ही भीषण जो है ये आग लग गई, लेकिन अभी इसके कारणों का जो है वो पता नहीं चल पाया है और इसी की जो जांच है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि ये बिलासपुर से तकरीबन 30 किलोमीटर जो है स्थित कोटा में सुबह की ये घटना है, जिसमें कि बड़ी मात्रा में लकड़ी का जो सामान है वो जलकर खाक हो गया। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि कितनी भीषण ये आग जो है वो रही। और वहीं आपको बता दें कि जैसे ही पुलिस प्रशासन को इस घटना की सूचना मिली, दमकल के साथ वह मौके पर पहुंचे और उन्होंने आग पर काबू पाया, लेकिन इसमें आग लगने के कारण जो है वो काफी नुकसान होना बताया जा रहा है। वहीं इसके कारणों का भी अभी तक अज्ञात है और इसी की जो जांच है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है कि आखिर आग लगने का क्या कारण है, जो कि इतनी बड़े मात्रा में जो है सारा सामान जलकर खाक हो गया। खबर धमतरी से है, जहां शहर में बड़े ही धूमधाम से बकरा ईद का पर्व मनाया गया। जन सैकड़ों की संख्या में मुसलमान भाइयों ने इकट्ठा होकर एक साथ ईदगाह में बकरा ईद की नमाज को अदा किया। वहीं इस्लाम के अनुसार बकरा ईद कुर्बानी का पर्व है जो हर साल धूमधाम से मनाया जाता है। तो आपको बता दें कि आज देशभर में मुस्लिम समुदाय के द्वारा ईद पर्व मनाया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि जो बकरा ईद का पर्व है वो मुसलमानों के लिए कुर्बानी का पर्व है और इसको लेकर इनका मानना है कि इस दिन जो कुर्बानी दी जाती है वो अल्लाह को समर्पित होती है और जिससे अल्लाह जो है बेहद ही खुश होते हैं। साथ ही आपको बता दें कि आज भारी संख्या में जो है ईदगाह में ईद नमाज अदा की गई। और वहीं आपको बता दें कि इसके बाद बाजारों में भी जो है भारी संख्या में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो दिखे। वहीं आपको बता दें कि आज पूरे देश भर में ईद को लेकर उल्लास का माहौल बना हुआ है। खबर बिलासपुर से है, जहां के कोटा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम लटिया की सरपंच दुलेश्वरी नेताम के पद से हटा दिया गया है। आपको बता दें कि अनुविभागीय अधिकारी ने यह कार्रवाई की है। वहीं 7 लाख रुपए की राशि सरपंच और सचिव से वसूल करने का भी आदेश जारी कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक यह कार्रवाई धारा 39 और 40 के तहत की गई। बताया जा रहा है कि सरपंच पर काम को लेकर अनियमितताएं बरतने का आरोप लगा था, जिसके तहत यह कार्रवाई की गई है। प्रदेश कांग्रेस की ओर से आगामी चुनाव को लेकर पूरे प्रदेश में बूथ चलो अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में देवघर में प्रदेश के वरिष्ठ मंत्रियों और विधायकों की जवाबदारी तय की जा रही है। वहीं दुर्ग संभाग में इसकी शुरुआत की गई। इसी कड़ी में साझा विधानसभा में भी बूथ चलो अभियान में बूथ कमेटी के सदस्यों को संबोधित कर रहे प्रदेश के वरिष्ठ नेता और विधायक सत्यनारायण शर्मा नगर पंचायत देवघर पहुंचे, जहां स्थानीय कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत भी किया। अपने संबोधन में उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को आने वाले चुनाव के लिए घर घर जाकर लोगों तक सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को पहुंचाने की बात कही और आगामी चुनावों को लेकर तमाम चर्चाएं भी की गई। आह्वान पर बूथ चलो अभियान का शुरुआत हुआ है, पूरे संभाग है, पूरे प्रदेश में हुआ है। और इसी कड़ी में आज दुर्ग संभाग में प्रत्येक जिलों में प्रत्येक ब्लॉकों में आज बूथ चलो अभियान के तहत बड़े वरिष्ठ नेता पहुंचे हुए, कांग्रेस कमेटी के बड़े वरिष्ठ नेता पहुंचे हुए। और इसी कड़ी में हमारे बीच वरिष्ठ नेता, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता विधायक आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी पहुंचे हुए। हम उनसे जानना चाहेंगे कि बूथ चलो अभियान के कांग्रेस क्या संदेश है, सर बताएंगे। समझिए, देखिए पूरे प्रदेश में एक साथ बूथ चलो अभियान का प्रारंभ हुआ है। इसमें सभी जगह बूथ कमेटियां बनी है और जोन सेक्टर कमेटियां बनी है। माननीय रविंद्र चौबे जी का क्षेत्र बहुत मजबूत क्षेत्र है, चौबे जी का आशीर्वाद कार्यकर्ताओं का है और कार्यकर्ता की मेहनत पर हम सब प्रसन्नता जाहिर करते हैं। हमको गर्व है कि इस क्षेत्र के कार्यकर्ता बहुत मजबूत कार्यकर्ता है। सब जगह बूथ कमेटियां बन चुकी है, जोन कमेटी बन चुकी है, सेक्टर कमेटी बन चुकी है और संतोष वर्मा जी ने खूब मेहनत की है। आदरणीय बलदाव मिश्रा जी से वरिष्ठ नेता का आशीर्वाद इनको मिला है। इस क्षेत्र में मजबूत आधार कांग्रेस का है
माननीय रविन्द्र चौबे जी की मेहनत, उनका कार्य प्रणाली अद्वितीय है। जो बहुत विद्वान हो रहे थे हमारे योग्य हमारे माननीय मंत्री जी के क्षेत्र में कांग्रेस की स्थिति काफी मजबूत है। पहले से ही बूथ कमेटियां बन चुकी है। मैं इस बात को लेकर बड़ा प्रसन्न हूँ। भाई संतोष गोयल जी को बहुत बधाई देता हूँ। सर, कार्यकर्ताओं को चार्ज किया जा रहा है इस बहाने? देखिए, कार्यकर्ता तो चार्ज पहले से ही आ रहा है, कोई वो कार्यक्रम होते रहता है। माननीय मंत्री जी का दौरा भी यहाँ काफी घनिष्ठ सदन को दौरा होता है। कार्यकर्ता उनके साथ है, कार्यकर्ता हमेशा तैयार है और चुनाव के लिए कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहता है। इस क्षेत्र में कांग्रेस की बहुत जबरदस्त काफी लीड से माननीय रविन्द्र चौबे जीतेंगे। इस बात का हमको सबको TS बाबा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया छत्तीसगढ़ का पहला। क्या लगता है आपको कि कांग्रेस अंतर कलह को समाप्त किया? देखिए, एक तरह समन्वय की स्थिति बनी है। समन्वय से हर काम अच्छा होता है और मिलजुल कर सब लोग काम करेंगे। इस बात के लिए भी एक निर्देश हुआ है। हम सब एकता के साथ, सभी कांग्रेस के नेता, सभी कार्यकर्ता एकजुट से एकजुटता के साथ कांग्रेस का चुनाव अभियान शुरू करेंगे। एक साथ रहेंगे, जिएंगे साथ, मरेंगे साथ, ये हमारा नाव है। आप देख सकते हैं हमारे साथ अभी चर्चा कर रहे थे सत्यनारायण शर्मा जी, वरिष्ठ विधायक और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता विजय चौबे, साधना प्लस बेमिता। छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही बारिश अब लोगों के लिए मुसीबत बनकर सामने आ रही है। कुछ ऐसा ही छत्तीसगढ़ वासियों के साथ हुआ है। वहीं बिलासपुर में अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के जल ग्रहण क्षेत्र में जल बहराव में वृद्धि होने के कारण बैराज से अरपा नदी में 53 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसको लेकर कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग कोटा द्वारा बैराज के डाउन स्ट्रीम के पास स्थित आम जनता से अनुरोध किया गया है कि वे अपनी चल अचल संपत्ति सुरक्षित स्थान पर ले जाए ताकि किसी प्रकार की कोई हानि ना हो। साजापुर विधानसभा के पूर्व विधायक अरुण भीमावद ने कोतवाली थाने में आवेदन देकर अपनी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की छवि धूमिल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दरअसल मामला यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल पूरे होने पर कालापीपल विधानसभा के पोलाय कला नगर पंचायत में पूर्व विधायक अरुण भीमावत के एक भाषण में ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए बोले एक व्यक्तित्व को तोड़ मरोड़ कर छवि धूमिल करने के उद्देश्य से वीडियो को सोशल मीडिया पर मीडिया में प्रसारित किया जा रहा है, जिसको लेकर पूर्व विधायक अरुण भीमावत ने थाने में आवेदन देकर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। 22 जून 2023 को कालापीपल विधानसभा क्षेत्र के पोलाय कला गांव में संयुक्त मोर्चे के कार्यक्रम में मेरे भाषण को किसी व्यक्ति द्वारा तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, एडिट किया गया है। मेरे उस भाषण में मैंने ज्योतिरादित्य सिंधिया नामक व्यक्ति कहा है, उसको उस शब्द को किसी ने तोड़ मरोड़ कर प्रसारित किया गया है। उसके कारण से निश्चित रूप से श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और मेरी स्वयं की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है। मैंने इस संबंध में थाना कोतवाली में इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज की है, आवेदन दिया है और कानूनी कार्रवाई करने का निवेदन भी किया है। मैं इस अवसर पर यह कहना चाहूँगा कि श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, सम्मानी है। खबर धमतरी से है, जहां शहर के नेशनल हाईवे पर पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से बड़े बड़े गड्ढों को बजरी गिट्टी डालकर भरा जा रहा है। वहीं सड़क की मरम्मत होने से वाहन चालक और राहगीरों ने राहत की सांस ली है। गौरतलब है कि मानसून की पहली बारिश से शहर से होकर गुजरने वाले नेशनल हाईवे में करीब 3 किलोमीटर के रास्ते पर 1000 से ज्यादा गड्ढे हो गए थे। इस समस्या को लेकर युवाओं ने गड्ढों पर सांकेतिक पौधारोपण कर इस समस्या की ओर पीडब्ल्यूडी विभाग का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद हाईवे पर JCB के माध्यम से गड्ढों में बजरी डालकर इसका समतलीकरण किया गया। इसको लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी ने बताया कि शासन की ओर से सड़क के नव निर्माण के लिए 17 करोड़ का फंड उपलब्ध कराया गया है। बारिश के बाद सड़क का जीर्णोद्धार भी कराया जाएगा।
खबर रायपुर से है, जहां कैट ने दानवीर भामाशाह की जयंती मनाई। इस दौरान कैट के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमर पारवानी, प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र दोषी, कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंह देव, परमानंद जैन, महामंत्री सुरेंद्र सिंह ने बताया कि कैट के सीजी चैप्टर ने दानवीर भामाशाह की जयंती को राष्ट्रीय व्यापारी दिवस के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाया। साथ ही प्रदेश कार्यकारिणी समिति की बैठक का भी आयोजन किया गया। वहीं बैठक में कैट सीजी चैप्टर के सभी जिला इकाइयों के पदाधिकारी और व्यापारी शामिल हुए। इस दौरान सबसे पहले कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी ने दानवीर भामाशाह की तस्वीर पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया गया और इसके बाद कार्यक्रम में संचालन कैट के प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र सिंह के सभी सदस्यगण और प्रदेश से आए सभी कार्यकारिणी सदस्यों का स्वागत व अभिनंदन किया गया। कैट पूरे हिंदुस्तान में राष्ट्रीय व्यापारी दिवस मना रहा है आप भामाशाह जी की जयंती के उपलक्ष में, क्योंकि व्यापारियों को जो एक रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए वो रिस्पेक्ट के लिए लगातार हम लोग प्रयासरत रहते हैं। तो और कोविड काल में आप देखेंगे हमारा हर व्यापारी एक भामाशाह के रूप में काम किया है, और चाहे उसकी दुकान बंद थी, उसके स्टाफ का रेंट आपकी सैलरी थी या उसका रेंट चालू था, उसके सारे बैंक के जो इंटरेस्ट वगैरह थे सब चालू थे, उसके बाद भी बढ़ चढ़ के जहाँ पे भी प्रशासन को शासन को जो भी जरूरत थी व्यापारी वहाँ पे खड़ा रहा। तो मेरे हिसाब से छत्तीसगढ़ में जो 12 लाख व्यापारी पूरे 12 लाख व्यापारी अब भामाशाह के रूप में हैं और सारे लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। जब भी शासन को प्रशासन को समाज को जरूरत पड़ती है एक कदम आगे बढ़ के ही काम करते हैं अपने निजी तकलीफों को छोड़ के। मुस्लिम समुदाय द्वारा बकरीद पर्व का बेसब्री से इंतजार किया जाता है। इस त्यौहार को मनाने के लिए समाजजनों द्वारा एक महीने पहले ही तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। वहीं आपको बता दें कि ये मौका आते ही समाजजनों में खुशी की लहर दौड़ गई। उज्जैन में इस मौके पर सुबह से ही मुस्लिम समाज के इलाके में हलचल पहल देखने को मिली। सुबह ईद की मुख्य नमाज इंदिरा नगर स्थित ईदगाह पर अदा की गई, जहां शहर काजी खलीकुर रहमान ने नमाज अदा करवाई। इस दौरान हजारों सिर खुदा के सजदे में झुके और मुल्क की तरक्की एवं देश में अच्छी बारिश के अलावा अमन चैन की दुआएं भी मांगी गई। बहुत ईद की मुबारकबाद और दुआ शायद आप लोगों ने सुनी भी होगी। दिल भी चाहता है और जहन भी चाहता है कि इस मुल्क के अंदर जिस गुलदस्ते को अल्लाह ने कायम रखा है वो उसी तरीके से कायम रहे। आज ईद का दिन है, मैं तमामी लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ ही एक ऐसा दिन जिस दिन लोगों से एक दूसरे की कुर्बत एक दूसरे की मोहब्बत हासिल हो वो दिन आज ऐसा दिन है। उसको अगर कुर्बानी की तरफ से देखा जाए तो ये भी अंदाज़ा लगा ले कि वो कुर्बानी भी उसी मोहब्बत का नतीजा है और उसी का अंदाज़ा है कि हम एक दूसरे से कितनी कुर्बत रखते हैं और कितनी मोहब्बत रखते हैं। क्योंकि अल्लाह का हुक्म भी इस बात के लिए है कि तुमने अगर कुर्बानी की है तो उसके तीन हिस्से भी करें और साथ साथ ये भी है कि तुम्हारा पड़ोस कहीं भूखा न रहे, इस बात का भी एहसास रखें। तो पड़ोस के अंदर कोई कैद नहीं लगा दी कि मुसलमान का पड़ोस होगा या हिंदू का पड़ोस होगा, तो ये भी एक मोहब्बत का अंदाजा है। अब खबर बाकरी से है, जहां विकासखंड स्तरीय मानस गान प्रतियोगिता जनवरी माह में आयोजित की गई थी, जिसमें प्रथम स्थान प्राप्त करने पर नव जागृति मानस मंडली को सम्मानित भी किया गया। आपको बता दें कि विजेता मंडली को 10,000 रुपये जनपद उपाध्यक्ष गौतम साहू और जनपद सदस्य शंकर नेताम के हाथों प्रदान किए गए। इस अवसर पर जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और डिप्टी कलेक्टर अनिकेत साहू के साथ मंडली के सदस्य और कर्मचारी भी मौजूद रहे। बेहर में 28 जून को ट्रैवल मंडल संयोजक वीएस बिलखरे के मार्गदर्शन में टाउन हॉल में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन स्थल पर योजना विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम शाला में
सेंटर फॉर एडवांस्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट संस्था के परियोजना प्रमुख रामरतन अपनी टीम के साथ पहुंचे थे, जिन्होंने प्रोजेक्ट के माध्यम से महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन स्थल की अवधारणा को और उद्देश्यों की जानकारी साझा की। इसके साथ महिलाओं को सुरक्षित पर्यटन स्थल मुहैया कराने के लिए और क्या प्रयास किए जा सकते हैं, इस पर भी विचार किए गए। मैं आपको बता दें कि कार्यशाला में उपस्थित ट्रैवल सीईओ ने परियोजना प्रमुख और उपस्थितों से पर्यटन के क्षेत्र में चल रही गतिविधियों और कार्यशाला के विषय में पूरी जानकारी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी उनके द्वारा दिए गए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।